हेलो स्टूडेंट वेलकम टू ताशू एकेडमी आई एम योर एजुकेटर इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू बिकॉज वन लीगल जॉब इन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू लीगल असिस्टेंट मैनेजर जॉब है ये जो अप्लाई कर सकते हैं आप 19 अक्टूबर से और ये भारत सरकार की होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है जो एक मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है ये क्या क्या काम करती है ये आपके सिक्योरिटी पेपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो इशू करती है करेंसी इशू करती है बैंक नोट इशू करती है पासपोर्ट इशू करती है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर भी यूज ये इशू करती है पोस्टल जो स्टैम्प होते हैं ये भी यूज़ मतलब इशू uh, करती है मिनटिंग ऑफ द कॉइन और जो कॉइन होते हैं वो भी प्रिंटिंग प्रिंट करती है सब कुछ बनाती है ये तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है क्योंकि ये हंड्रेड परसेंट होली गवर्नमेंट है सरकार की और आपके जो पेपर पैटर्न है अभी तक आप एग्ज़ाम जो दे रहे हैं वो सभी पे पेपर पे बिल्कुल बेस्ड है और यहाँ पे बस एक जान एक चीज़ ही जान लें कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है इनका दिल्ली नोएडा गुड़गांव और फरीदाबाद ये चार इनका एग्जामिनेशन सेंटर है तो इनमें से जो आपका करीब पड़ेगा जो पास पड़ेगा आप वहाँ पर सेंटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन चूज कर सकते हैं तो चलिए ठीक है शुरू करते हैं पूरा नोटिफिकेशन रीड करना जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा इसके रिगॉर्डिंग अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मैं आपको वहाँ पर फुल गाइडेंस दूंगा तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आइकन दबाना ना भूलिएगा जैसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट देखिए आपके लिए एक लीगल असिस्टेंट मैनेजर की ये जॉब है आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोग मिनी रत्न कंपनी बोल सकते हैं भारत सरकार का मिनी रत्न कंपनी है भारत प्रतिभूत मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड में है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये भारत सरकार की हंड्रेड परसेंट मतलब सब्सिडरी कंपनी है मतलब फुली गवर्नमेंट है ये तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर लेंगे ठीक है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये जान लें कि जो हमारे पोस्ट का नाम है वो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर फोर पे असिस्टेंट मैनेजर लीगल लिखा हुआ है ठीक है ये ई वन लेवल की जॉब है लगभग इसका जो पे स्केल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे और जो टोटल सीटें हैं वो दो सीटें हैं एक जनरल की है और एक एस की है ठीक है और मैक्सिमम जो जनरल के लिए एज मांगी गई है थर्टी ईयर्स मांगी गई है तो सबसे पहले आपका जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो थर्टी इयर्स जनरल के लिए होना चाहिए एस सी एस टी ओ बी सी के लिए छूट भी दिया गया हुआ है तो यहाँ पे टोटल दो पोस्ट हैं और काफ़ी अच्छी जॉब हैं अगर आप लोग लीगल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है इसका हमने एज क्राइटे एज क्राइटेरिया हम लोगों ने देख लिया है यहाँ देखिए असिस्टेंट मैनेजर लीगल लिखा हुआ है ठीक है यहाँ लिखा हुआ असेंसियल क्वालिफिकेशन के फर्स्ट क्लास ऑफ डिग्री इन लॉ यानी सिक्सटी परसेंट मार्क्स आपके लॉ में होने चाहिए ठीक है चाहे वो थ्री ईयर्स का कोर्स हो या फोर ईयर फाइव ईयर वाला कोर्स हो तो उन दोनों में आपके पास फर्स्ट डिवीजन की डिग्री होनी चाहिए वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जनरल के लिए थर्टी होना चाहिए बाकी एस के लिए और एस के लिए और ओ के लिए यहाँ पर एज में कुछ छूट दी गई है ठीक है और यहाँ पे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो लॉ डिग्री फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल यानी क्लैट वगैरह के थ्रू या दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर उन्होंने एडमिशन लिया था लॉ में तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा तो ये देख लीजिए इम्पोर्टेंट डेट आपको भी पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है तो ये उन्नीस अक्टूबर से भरना शुरू हो गया है और कब तक भरा जाएगा ये ये आपका भरा जाएगा अठारह नवंबर तक ठीक है अट्ठारह नवंबर तक भरा जाएगा उससे पहले पहले ये आप फॉर्म फिल कर लें और ऑनलाइन एग्जाम जो है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा मेल करके या वेबसाइट पे, तो वो चीज़ें मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और जिस डेट को तो उस दस से पंद्रह दिन के पहले ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा यहाँ पे देख लीजिए कि जो अपर एज लिमिट है पाँच साल है एस सी के लिए और तीन साल है ओ के लिए यानी ओ के अगर किसी कोई थर्टी थ्री ईयर्स के हैं तो वो भी फॉर्म को फ़िल कर सकते हैं और एस सी के जो थर्टी फाइव हैं वो भी फॉर्म फ़िल कर सकते हैं लेकिन यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसमें सिक्सटी ऑफ आप मार्क्स आपके होने चाहिए लॉ डिग्री में लॉ ग्रेजुएट में ठीक है तो ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई तीसरी चीज़ें क्या है वो आप देख लीजिए जो इनकी फ़ी है ठीक है फ़ी आप लोग यहाँ देख लीजिए दो सौ टोटल है सिक्स हंड्रेड जो जनरल ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस के लिए है और दो सौ रुपये किसके लिए है एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी के लिए तो टोटल छः सौ रुपये फीस सभी के लिए है बाकी एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी के लिए दो सौ रुपये हैं तो ये भी फ़ीस क्राइटेरिया हो गया अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है आपके सिलेक्शन प्रोसीजर और आपका पैटर्न क्या होगा तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पूरा बताया गया है आपको कि सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट बिल कम प्राइजेज ऑफ एन ऑनलाइन टेस्ट यानी ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा जिसमें सेवेंटी फाइव परसेंट एंड इंटरव्यूज ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी जो आपका नंबर होगा ये एग्जामिनेशन का ये वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका सेवेंटी फाइव परसेंट नंबर और इंटरव्यू में जो भी आप पाओगे उसका ट्वेंटी फाइव नंबर मिला के ट्वेंटी फाइव परसेंट मिला के हंड्रेड परसेंट पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी तक आई का उसी के पैटर्न पर है और ये एग्ज़ाम आई के द्वारा कराया जाएगा तो देख लीजिए आप प्रोफेशनल नॉलेज है जो आपको अच्छे नंबर लाने के लिए काफ़ी अच्छा सेक्शन है क्योंकि टोटल साठ क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल नॉलेज में होंगे जो नाइन्टी मार्क्स के होंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर आप इसी में ला सकते हैं जनरल अवेयरनेस देखिए बहुत कम है पंद्रह नंबर पंद्रह क्वेश्चन पंद्रह नंबर का इसमें भी आप नंबर गेन कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पंद्रह क्वेश्चन पंद्रह नंबर का अगर जिनको नहीं आता है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है लॉजिकल रीजनिंग पंद्रह क्वेश्चन पंद्रह नंबर और क्वान्टिटी एप्टीट्यूड पंद्रह क्वेश्चन पंद्रह नंबर सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे बट इंग्लिश का जो लैंग्वेज होगा वो सिर्फ इंग्लिश होगा और ये आपको 120 मिनट दिए जाएंगे 120 क्वेश्चन करने के 120 क्वेश्चन 120 मिनट के लिए ठीक है 150 नंबर का टोटल ये आपका मार्क होगा तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जान लिया है फिर उसके बाद और इम्पोर्टेंट और बहुत नहीं है ठीक है देख लेते हैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट होता तो आपको बता देते हैं और बाकी अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो सारी तो बता सकते हैं ठीक है फोटो वगैरह कॉल लेटर डाउन ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और कोई इन फे इनमें इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन अगर आपको कोई और डाउट होता है ठीक है कोई क्वेरी होती है तो आप इसके रिकॉर्डिंग पूछ सकते हैं बट ये आपको भरना इसलिए चाहिए क्योंकि अभी आप लोगों ने लॉफी स्केल टू का जस्ट एग्ज़ाम दिया है अभी आपको स्केल वन का जो दिसंबर में है छब्बीस और सत्ताईस को उसकी डेट आ चुकी है और नवंबर में उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो उसी के पैटर्न पे आपका ये भी एग्ज़ाम है ठीक है और टोटल बेस समझिए प्रोफेशनल नॉलेज पे ही है जो मैं आपको लगातार करा रहा हूँ तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप इस फॉर्म को फिल करें कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखें कोई क्वेरी होती है इसके रिकॉर्डिंग वो भी बताएं फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी हो रही है वो भी बताएं तो मैं आपको एक वीडियो फॉर्म को कैसे भरें वो भी मैं आपको बता सकता हूँ तो इस फॉर्म को फ़िल कर दें और जो भी इस फॉर्म को फ़िल करेंगे वो मुझे एक बार एस लिख देंगे ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कितने तो उस अकॉर्डिंग मैं इस पर कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए और ऐसी सूचनाएं अक्सर आप लोगों से छूट जाती हैं क्योंकि इसमें एक दो पोस्ट होते हैं और ये काफ़ी अच्छे होते हैं ऐसा नहीं कि इनमें सिलेक्शन नहीं होता काफ़ी अच्छे लोगों का काफ़ी मतलब जो जनरली प्रिपरेशन करते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गॉड ब्लेस यू टू ऑल इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा और कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में करके बताइएगा अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आइकन दबाना ना भूलिएगा वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा थैंक यू फॉर ऑल